कसम खिलाड़ी मिले एक आधे कसम मिले मिले हैं ना पड़े हैं काफी दिन जैसे निकले तो जैसे मान लीजिए कोई बीमार वीमार पड़ता है अस्पताल तो यहाँ होंगे नहीं गाँव कहाँ जाते हैं भीरा और यहाँ से ले जाने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी देख तो आए हो गेट बंद हुई है जब तक वहाँ से आओ तुम तब तक काम हो जाते हैं ऐसा हुआ है ऐसा बहुत बार हुआ मतलब कोई इसी को ले जा रहे रास्ते में ही ये किशनपुर गांव है हम लखीमपुर में हैं और लखीमपुर की एक जो एक विशेष पहचान है वो है दुधवा नेशनल पार्क और दुधवापुर में जो कई तमाम गेट्स हैं उसी में एक किशनपुर वाला रास्ता है उसी से हम लोग आए हैं और ये जंगल क्रॉस करके आए हैं और यहाँ पर 5 गांव हैं करीब और इन 5 गांव में हम आए हैं किशनपुर में किशनपुर आए हैं तो किशनपुर में तमाम लोग हमारे साथ गांव के जुटे हुए हैं और इन्होंने सबसे पहली बात हमें बताई चुनाव को लेकर थोड़ी चर्चा हम कर रहे थे कि इस बार वोट नहीं डालेंगे 5 गांव ने आपस में मिलकर तय किया है कि वोट का बहिष्कार होगा क्या तो दुकान नाम है आपका खेमकरण जी क्यों बहिष्कार करने वाले जो हमारे गाँव के विकास में फायदा का हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो तो फायदा का है क्या विकास होना चाहिए अरे रोड बत्ती होने चाहिए लाइट नहीं है गांव में जैसे ये लगे सोलर वाले सोलर लगे किसने लगवाए सोलर वाले मायावती 10 साल पहले ना ना मायावती सरकार ने जी तो टेनिक सरकार में ये महाराज जी मोदी योगी सरकार कब मतलब किसके लिए पैसा भी लगा था पैसा नहीं लगा पैसा नहीं लगा फ्री मिला है सबको फ्री मिला है इससे क्या क्या चल जाता है इससे पंखा ही चलता है लाइट जलती है अच्छा लाइट जल जाती लाइट जलती है बत्ती जल जाती है कितनी बत्ती जल जाती है छोटे-छोटे जल जाते जैसे आप कह रहे हैं गांव में विकास नहीं हो रहा क्या क्या विकास होना चाहिए क्या क्या नहीं है मेन विकास हम लोगों रोड बत्ती हाँ। बिजली नहीं आई है हाँ, तो ये इससे काम चलाना पड़ रहा है और रोड नहीं है मेन चित्र रोड है आज आप देखिए अगर 10 मीटर डीजल परसों आए पाए तो आपकी जीप नहीं निकल पाती अच्छा ये मान लो जो दिन बारिश हुई हम लोग पता नहीं कैसे पटके खाते सब भीड़ा पहुंचा जाए तो तुम समझ लो सबसे बड़ा मुद्दा रोड का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं ये किशनपुर की जंगल के बीच से पड़ता है रास्ता इसलिए रोड यहाँ पर वैसे लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर रोड नहीं बननी चाहिए रोड नहीं बना इस कारण नहीं बन पाती है नहीं तो दुधवा में कहाँ बनी भाई साहब दुधवा में क्यों बनी दुधवा तो पार्क तो वही है ये मेंजर तो पार्क दुधवा भाई दुधवा में क्यों बनी है वो भी दिलवा दें रोड कच्ची रखें जैसे अभी चुनाव क्योंकि हो रहे हैं तो इस बीच कोई नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं नेता होते हैं वायदा कर जाते हैं इलेक्शन जीतने बाद कोई मुड़ के ना देगा कौन नेता है जो भी इलेक्शन लड़े थे जीता थे मैं सवाल अभी विधायक इसे रोमी सानी है इसमें कोई नहीं है आई है क्या उनके वायदा कहीं झूठे पर गए क्या हुआ वहाँ झूठा क्या निकल गया झूठा कारण निकल गया ये कर खड़ंजा डलवाए दे हैं कुछ न कुछ रास्ता बनवाए दे हैं अच्छा पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे 2017 में रोमी सानी आए थे गाँव क्या बोल के गए थे ये वादा करके गए खड़ंजा फड़ंजा पड़ जाए सब जंगल के अंदर अच्छा तो उसके बाद आप लोग गए जब नहीं पड़ा एक बार गए क्या बोलते थे भाई आप तो बोल के गए थे कुछ ना के देख लेंगे बनवा देंगे अब धीरे धीरे 5 साल पूरे कब का बनवा देंगे भाई 5 साल पूरे हुए अब का बनवा देंगे कितना वोटर है यहाँ पूरा गांव में 1100 और चारों पांचों गांव में 6000 करीब हुई है 6000 6500 तो सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे वो तो ये जो रोमी सानी है या और पार्टियों के जो कोई पार्टी आया कोई आया यहाँ पर कोई पार्टी वाला कोई नहीं इस बार कोई नेता आया कोई नहीं क्या नाम है श्याम जी क्या कह रहे हैं उनके बरकर जो वोट आया नेता कोई नहीं अच्छा मतलब जो प्रचार कर रहे हैं प्रचार करने वाले आए बाकी कोई लोग नहीं कौन कौन आया किस पार्टी का सफाओ क्या है मतलब उनका रूमी सानी क्या है मतलब जो चेले चपाटे होते साथ में आ, वो आते हैं बस नेता नहीं आ रहा उनकी चरण का बात मानी जाए अब कौन से कहा जाए भाई उसे कहना सुनना भी बेकार सपोर्टर है कल उनकी नहीं बनी उस वक्त कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होते हैं जो आदमी दिलो जान लड़ाई दे उनके बाद उनकी बात मानी क्योंकि आप लोग जंगल के बीच रहते हैं
तो जंगल के बीच में रहने में सबसे बड़ा खतरा तो जानवरों का ही रहता होगा। जानवर आ जाते हैं यहाँ पर? जानवर सब ली लगा खाए जाते हैं, ली लगा शुगर जो सब नुकसान है। तो खेती बाड़ी में नुकसान? हाँ सब ना है नुकसान। नुकसान जैसे हो जाते तो मुआवजा वगैरह मिलता है? कुछ मुआवजा कौन दे भैया, वो जो फसल बीमा योजना वाली योजना जो चलती है वो सब कुछ कुछ है ना। सरकारी कौन कौन सी योजना आप लोगों को पता है, कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर हैं? अरे हम लोगों ने कोई प्राप्त हो तो हम जाने। कौन कौन सी है मिली? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो किसान प्रधानमंत्री देते हैं 2000 रुपए? हाँ 2000 रुपए में तो आई शौचालय सबके मिले हैं इसी शौचालय मिले हैं सबके। जंगल सबसे डर रहता है बाघ का, मेन चीज मुद्दा हम लोग सड़क का। सड़क का है, सड़क बन जाए हम लोग सारे विकास समझो पूर्व। अच्छा सड़क बन जाए, सड़क बन जाए हाँ बस सारे विकास हमारे सारे विकास पूर्व। लाइट और सड़क दो चीज, लाइट और आ जाए। हाँ लाइट सड़क दो काम हो जाए तो हम लोग का सड़क है नरक नहीं है इससे। और हमारे लोगों को कोई तकलीफ ना है जैसे सूर्य ट्राली गई भाई है अब सेंटर अब पहुँची हुई है जब 4000 ट्रैक्टर एक ट्राली मचे ट्रैक्टर फंस जाते हैं जहाँ 5 लीटर लगना है तहाँ 25 लीटर लगे डीजल या महंगे एक ना दी फसल निकली वही पहले दूसरा। अब जैसे हम पूछ रहे थे कि बाघ वगैरह आ जाते हैं कभी? बाघ आते नहीं क्या? बाघ भी आते हैं मतलब जंगल में बाघ का शेर तो आते हैं। देखा आप लोगों? हाँ क्यों नहीं देखा? कौन कौन देखा है? अरे बहुत सब देखा। कौन आदमी ना जो यहाँ जंगल में शेर ना देखे? आप बैठे ऐसे शेर मिल जाता है ऐसे मिल जाता है। अच्छा कुछ दिन पीछे इधर गांव तेरे नजदीक अरे बकरी तरह तरह का शुमारी हो रहा है अपराध मार के सोए घर ना ही करा उनके यहाँ। हाँ पिछले साल में बरसात घरियार आई हो रही है छोटे भाई घर में इनके छोटे भाई घर में वन विभाग सूचना होगा वन विभाग वाले आए का पकड़े फिर ले गए। जानवर जो है मारते शिकार करते नहीं है? अरे कमल कर आप लोग बातचीत हमको समझ में आया कि यहाँ पर बाघ आ जाता है। हाँ, नेता लोग नहीं आते? नेता लोग बाघ तो रहता ही है यहाँ। अरे भाई जंगल जंगल का राजा आ जाता है जो नेता राजा है वो नहीं आते नहीं। तो फिर चुनाव में क्या माहौल है इस बार? मान लो अगर कोई आया मान लो रोमी सहनी या जो सपा के हैं वो आगे वादा कर गए तो क्या चुनाव आप लोग? अभी तक तो हम देख रहे हैं जब से हमारी उम्र कम से कम 40-45 साल हो गई है जो भी आते रहे जहाँ पे बातें करके चले गए। उधर से आए तो गाड़ी में बत्ती और रोट लेकर आए साथ हैं। अब यहाँ से जीत कर चले गए दोबारा मुड़कर नहीं देखा। क्या विश्वास किया जाए कि हमारा विकास होगा रोड बन जाएगी बत्ती आ जाएगी कुछ नहीं होना। सबसे सीधे सरल उपाय आप लोगों ने यह सोची जो हमारे को विकास नहीं है तो हमें रोड डालने का फायदा रोड लाइट बोर्ड ले बस ठीक बात है। मेरी यूनियन पूरे 5-6 गांव खुली पांचों को चुनाव पांचों गांव मिलकर तय कर लिया है। तय कर लिया वोट नहीं देंगे उधर के प्रधान से आए थे यहाँ। ये बात नेताओं को पता है कि वोट नहीं दे रहे हैं आप लोग? हाँ सबको पता पता है। तो कोई मनाने नहीं आया? कोई मनाने हम लोग नरक पड़े हैं इच्छा मनाने आवे चाह नाम दादी इस बात के दादी इधर आइए। डबल सरकार है तो कहा कि हां अरे इधर आइए अरे इधर आइए अरे सब आदमी आदमी से बात करो सब आदमी आदमी से बात करते रहो इधर आइए बताइए हमको पास इधर आइए हमारे पास क्या नाम है? विकास नहीं तो वोट नहीं। कब से रह रहे हैं यहां पे? बहुत साल से। क्या समस्या है? समस्या है रोड ना है बत्ती ना है बहुत हम लोग मजबूर हैं बहुत परेशान रहती है आदमी जब मेहरुआ घर रहती है आदमी तो बहुत बिल्लाई जाती है नहीं ट्राली ले गए गन्ना भर के ले गए पलटी गई ट्राली अब कत्तों परेशान है ट्राली पलटी गई ट्रैक्टर पलटी गो कोई मर जाए तो कहाँ ही है चहला में आंधी जात गड्ढी गड्ढा हुई गए सब मजबूर हैं बहुत अपनो डीजल डाल के रे रोड बराबर ही करते अब फरुहा चलाओ जाए तब निकास बनाई पाओ अब बेह में यह समस्या बहुत। जैसे नेता लोग हैं प्रधानमंत्री पता है कौन है आपको देश का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाँ। ये कैसे रहे? कहते हैं गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं किसान कुछ नहीं करते हैं यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं कोई नहीं है कुछ नहीं करती है कोई
दादी शिकायत करते करते तो मजा आ गई दादी, कोई कुछ नहीं करता है। तो नौजवान साथियों क्या मुद्दे तुम लोग, क्या नाम है? विकास यहाँ पर नहीं होगा तो वोट नहीं डालेंगे। क्या नाम, क्या तुम्हारा? हमारा नाम सोम कुमार। तुम्हारा क्या नाम है? क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? हीरो लग रहा है स्मार्ट। कितनी पढ़ाई की? इंटर। इंटर इंटर कर लिया। अब आगे आगे क्या करेंगे? यहाँ पे जो मील है वो पैसा भी नहीं देता है, तो जब पैसे रुपए नहीं होंगे तभी तो हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। यहाँ का पेमेंट होता नहीं है, जब पैसे होंगे तभी तो आगे जाएंगे हम अपनी सोच को बदलने के लिए। जब पैसा नहीं होगा तो कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। कोई बाहर शहर में जाके पढ़ा लिखा नहीं? पढ़ाई करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। जंगल में फंसे हैं, अगर रूम भी लो तो उसका किराया भी बहुत पड़ता है। यहाँ से जाओ जंगल से बहुत ही दिक्कत आती है, मतलब आर्थिक दिक्कतें हैं। नहीं तो पढ़ाई लिखाई करते, फसल बहुत जड़ जाती है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ से बच्चे पढ़ाई करेंगे? कितनी आमदनी हो जाती है खेती किसानी से? इसमें कुछ नहीं होता है, लागत लगाते हैं। हमको समझाओ क्या क्या, कितनी जमीन कितनी अपने पास? 10 एकड़। कितना उसमें क्या 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 लगाया हुआ है? गन्ने भी लगा देते हैं, गेहूँ भी लगाते हैं। गन्ने इस समय लगाया है तो समझ लो उसमें शुगर सब खा गए हैं। सब जुड़ जाता है। कितनी बचत, कितनी कमाई हो जाती है? कुछ भी। लागत कितनी आती है? कुछ भी खाते हैं फिर बराबर हो जाता है। तुम लोग नौजवान हो, थोड़ा पढ़े लिखे भी हो, तो सरकार की योजनाएं चलती हैं तमाम खेती किसानी से जुड़ी हुई, उसकी जानकारी मिलती है? क्या क्या किसके सरकारी योजना का लाभ लिया है? यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपए आते हैं वही, बस और कोई योजना वोजना नहीं। जैसे ये फसल असल की बीमा योजना आती है, इसके 2000 रुपए आते हैं और कुछ भी नहीं आते। कभी जाके सरकारी दफ्तर में पता नहीं करते हो कि भाई क्या क्या योजनाएं हैं हमारे लिए? सरकार तो बहुत योजनाएं चलाती है ना, कोई पता करने को? तो बोलो पढ़े लिखे हो नौजवान हो, खेती किसानी करो, चलो भैया यही करना है, नहीं आगे पढ़ाई करनी, तो इसी के बारे में और पता करें, जानकारी करें कि क्या और योजनाएं हैं, ये कोई बताता नहीं है? यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बताता है, पता भी चल जाता है तो यहाँ पे आके पता ही नहीं चलता। क्या बोल रहे भाई साहब? भाई सरकारी योजना और कौन है, 2000 रुपये वाली है और कोई योजना नहीं है, आवास मिले हैं बस, आवास मिले हैं। अच्छा ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, कैसे लगते हैं आप लोगों को? रोड वाला मसला हो गया, उसके अलावा जैसे वो कहते हैं हमसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, व्यवस्था तो यहाँ पर कुछ कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है हमारे, चक्कर जो हो जाते हैं। विधायक को अपोजिट बनते हैं, सरकार की माफी ना है। दूसरी इस समय विधायकों उनका और एमपी उनका, केंद्र और विधानसभा दोनों सरकारें हैं, इस समय न बनीपत आगे बनने कौन चांस मिली? डबल सरकार ना हो पाए तो हमारे में क्या काम है? कुछ नहीं, इस समय नगर बनीपत आगे कोई काम नहीं। जैसे आपके गांव जो है सब लोग एक साथ फैसला करके वोट डालते हैं कि अपने अपने मन से अलग अलग एक साथ जुट के हमारी पूरी वोट एक ही साथ रहती है। 80% बीजेपी को वोट मिला, 80% मिला। अच्छा यहाँ से बिल्कुल आला। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी जी, तो आप कह रहे 80% वोट इस गांव का पिछली बार बीजेपी को जाता है? अब की बार नहीं बल्कि पिछले 2 बार में हुआ है, दोनों बार में 80% इनको बीजेपी को ही दिया गया है। हमारे सांसद जी उनके पास अगर जो अजय मिश्रा टीनी, हाँ बहुना सुन जी, उनसे कही जाए हम लोगों ने इतना वोट दिया, कल दिया क्यों? ये कहते हैं कि दिया क्यों, ये कहते हैं? हाँ मैंने तो नहीं कहा तुमने हमें वोट दो, हम मांगने तो गए नहीं, हम मांगने तो गए नहीं, हम आपको जानते नहीं, तो कहीं पर विश्वास किया जाए, तो किस नेता पर विश्वास किया जाए? उनके पास आदमी को समस्या लेकर जाए, मैंने तो आपको जाना नहीं है कि साहब हमने वोट सब पूरे गांव दे रहे हैं कि तुमने दिए क्यों, मैं तो मांगने गया नहीं। अच्छा हाँ वाकई मांगने नहीं आया, क्या मिला? नहीं आया मांगने कभी भी, उनके कार्यकर्ता लोग आए। नाम से जीत जाओ
अच्छा आप कह रहे हैं कि जो नेता है विधायक सांसद हाँ। सब मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं ना तो रोमी जीतने वाले हैं ना टेनी जीतने वाले ये तो बट्टा वो भी जीत जाए प्रधानमंत्री जी के नाम से याद काम प्रधानमंत्री ठीक है नेता ठीक नहीं इनके प्रधानमंत्री ठीक है वो तो सही अपनी जगह प्रधानमंत्री क्यों ठीक लगते हैं वही तो विकास भेजे थे विकास तो नहीं है लेकिन जो लोग हम लोगों को समस्या है तो जो आगे तक पहुंचे हैं तब पूछे नहीं ये रोड वाली बात रहा है रास्ता वाली आप गेट वाली अगर पहुंची होती तो हम लोग जाते हैं अब वो तीन घंटा खड़े टिकटल ले हॉर्न लगाए रहे हैं अब गांव घूम रहे हैं जब गांव घूम के आए तो कल ताला लगाए तब खोले तो गेट खोल देखे हुए मेरे पर खड़े हुए क्योंकि बैरल खोला हम लोग तीन तीन घंटा बैरल खड़े रहा रेमी जी से कई बार कही गए हाँ देखो बैरल का समस्या हटा देंगे आ जाओ ये जो मुख्यमंत्री पता है कौन है आप लोग आपके योगी जी कैसे हैं ये कैसे लगते हैं अच्छे हैं ये भी बढ़िया आदमी ये भी योगी भी ठीक है मोदी भी ठीक है नेता ठीक नहीं नेता नहीं कोई कामें नहीं होती तो हम तो नहीं नेता योगी क्यों ठीक है उन्होंने क्या किया आप लोग के लिए सारे विकास तो वो योगी जी के मोदी जी के माध्यम से होते हैं लेकिन जय क्या योगी जी ने जानवर छोड़ दिए तो बहुत ही बढ़िया काम किया मजे ले रहे हैं हम जानवर भाई तो हमारी आपकी ये तो हमारी आप गलती जैसे आप जानवर राय पड़े बंधे रहे आप खोल दियो उनकी थोड़ी ना लगे उनने थोड़ी ना कहा कि जानवर ये खोल दो ये तो हमारे यहाँ पे बंधे रहे फालतू ही खोल देंगे ये तो गलत बात अच्छा इससे पहले प्रदेश सरकार अखिलेश यादव की थी उनका काम कैसा था अखिलेश यादव का काम उनका भी बुलंद रहा है उनकी एम्बुलेंस चलाई भी आज भी चल रही है एम्बुलेंस उनकी चलाई आज भी कोई घर में डिलीवरी मामला कोई भी समस्या पड़ जाए हाँ तो आती है एम्बुलेंस बिल्कुल 100 नंबर उनकी चलाई भी उनके कार्य करे भी जो भी आज भी बुलंद है जिसका जो किया हुआ काम तो कहीं नहीं मायावती मायावती तुम्हारे काम रोटे बनवाए दी नहीं मायावती रोड बनी है अच्छा ये रोड जो आरसीसी यहाँ बनी थोड़ी सी मायावती टाइम लखनऊ नेता सब बढ़िया हमारे यहाँ जो नेता बनते सब बेकार है अच्छा और लखनऊ में जो बैठते सब अच्छे हैं वो काम कराते हैं पर जो नीचे नेता है वो काम पहुँचाते नहीं गाँव अब कल 5 बजे कोई नेता जो भावनाएं जो खाई जी हुआ ना केवल जी जब मोदी जी के नाम से जीते थे रोमी जी ने जीतने वाले ना टेनी जी बड़ो बैठे हैं उनकी उनके नाम से जो काम हो तो काम होते बड़ो जो बैठे मोदी जी बड़ो हो गए गाड़ी से फिर नहीं ठीक है क्या नाम है आपका हमारा नाम ब्रजेश ब्रजेश क्या करते हैं ब्रजेश खेती की खेती करते हैं बताइए क्या करते हैं रास्ते की सबसे बड़ी समस्या रास्ते की कल सुबह 5 बजे के लेके गया 5 बजे गन्ना लेके पहुंचे रहा कटिया सेंटर 7 किलोमीटर गन्ना ये भुगतान वगैरह कैसे हो रहा है गन्ना पिछले साल का अब हुआ है अब का पिछले अगले साल हुई है गन्ना भुगतान ये जो पैसा बढ़ा अभी 25 रुपया मिला नया कोई पेमेंट नहीं आधी पेमेंट कब आई थी अभी बाकी रह गया पुराना बाकी पुराना बाकी मार्च अभी बाकी है पूरा पूरा मार्च बाकी है पिछले साल का इस साल का नहीं पिछले साल का मार्च पिछले साल का कुछ ना है अब हम लोग अगर कोई शादी ब्याह बच्चन करना चाहें तो पैसा हमारे पास ना है तो कहाँ उम्मीद रखते हैं तो गन्ना पैसा पैदा रहे तो कहाँ करके टाटा फिश आज हमने गन्ना पैदा करो कल बेचे परसों 10 दिन बाद महीना बाद पैसा मिल जाए जो हौसला हमारे अंदर भरे हैं गुलरिया फैक्ट्री है जैसे 15 दिन के बाद पेमेंट कर दे तैसे हमारे तो एक साल पैदा करो दूसरी साल बेचो तीसरी साल पेमेंट मिले कैसे उठते हैं अभी पूरी मार्च बाकी है पूरी मार्च बाकी है पूरी मार्च इन साल बेचो को पता ही नहीं साल पता है अगले साल मिले अबे तो इलेक्शन मारे हौसला बुलंद कर दें आप 14 दिन बाद देंगे अब इलेक्शन निपटाना है भैया कुछ नहीं मिले कुछ नहीं मिले पर इतना सहनशील मुझे हम लोग गांव देहात जाते हैं आप लोगों से मिलते हैं तो लगता है बड़ी सहनशीलता है भैया प्रदेश के लोगों का यहाँ कोई अगर रिश्तेदार आता है तो 20 रुपए बाइक का पड़ता है 20 रुपया पड़ता है वन विभाग वाले ले रहे हैं और अगर शादी होती है बस का किराया 200-3600 रुपया कौन यहाँ बारात करेगा कोई बारात करेगा आने के लिए नहीं करेगा बारात 200 रुपया गाड़ी का रसीद का हर दिन करता है आप लोग का आप लोग से भी लेते हैं सबसे सबसे गांव वाले जो है हाँ शादी होती है तो ले ले 1600 रुपये एक दिन के जैसे आप लोग आते जाते हो डेली आप लोग कैसे लेते हैं दूसरा दिन फिर
नहीं नहीं इसे आप लोग आते जाते हो गए तो हम लोगों आप लोगों ने नहीं ले कोई बाहरी आता है बाहरी आता है यहाँ से बस बुक करा के तो उसकी भी रसीद कटती है उसको 6 रुपया देती है और ये है नुसूल हम लोग ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाते हैं उसके 6 रुपये पड़ते हैं ये 6 रुपया ये यहाँ के जो हैं ये नुसूल हैं हम तो हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए फिर भी लेते हैं अब वनमंत्री फिर वहाँ जो अंग्रेज लिख गया है वो वनमंत्री वहाँ वहाँ बैठते वहाँ उनके पास है लिखा है निःशुल्क लिखा है फिर भी पैसा लेते हैं आप कह रहे हैं नियम के हिसाब से पैसा नहीं लेना चाहिए ट्रैक्टर वाला जो है 6 रुपया लेते हैं नहीं लेना चाहिए और बरियर खुला ये अवैध वसूली है आप बता रहे हैं कि 20 रुपया ट्रैक्टर लेंगे अच्छा कौन बता रहा है अब वो वन विभाग के कर्मचारी बता रहे हैं कि अब जो है 20 रुपया ट्रैक्टर जो है शुल्क होगा अच्छा वन विभाग के कर्मचारी आप लोगों ने कहा नहीं पैसा तो पड़ता नहीं क्यों लेंगे क्यों देंगे भाई नहीं वो लोग कह रहे हैं कि जो है अगर गेट लगा कहाँ जाओगे तड़का के अब गेट लग गया ऐसे अब ट्रैक्टर खड़ा है रसीद कटाओ तो आगे बढ़ो एंट्री होगी आपकी फर्स्ट सेकेंड दोनों का अगर फर्स्ट पे आप चलोगे तो ट्रैक्टर जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट आप सीज कर दिया जाए यही बात उनसे रोमी जी से कई बार कही गई लेकिन रोमी जी न्याय ध्यान करें तो हम लोग का बातों पर विश्वास करें जबकि वोट 80% गया 80% इस बार अब की 90% है उनका अब की 90% है 5% तो बिल्कुल ऑलरेडी एक्स्ट्रा होना चाहिए था उनकी बात अच्छा लेकिन आपके को सुनता ही नहीं वहाँ संघ में विधायक अगर लखनऊ चले तो वो वहाँ लिख देंगे ऐसे मुजमान फोन को कुछ नहीं होगा तो वो कुछ लिख के देंगे वहाँ तब ये नहीं लेंगे अब गन्ना पेमेंट बारे में लेकिन विधायक जी जाएंगे कहाँ हाँ हाँ कर देंगे अब जाएंगे जाते नहीं ये बात है तो भाई ये है किशनपुर गांव और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सड़क दुदुआ नेशनल पार्क जो है उसके बीचों बीच ये 5 गांव बसे हुए हैं इन 5ों गांव ने फैसला किया है जंगली जानवर से नुकसान दूसरा बड़ा जो इनका जो उम्मीद करते सरकार से वो दूसरा बड़ा मुद्दा है इनका बाकी आपने बातचीत सुनी जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ऊपर से तो योजनाएं बनती हैं मगर जो नीचे के नेता हैं वो यहाँ पर आकर उन योजनाओं को चरम तक नहीं पहुँचाते हैं इस वजह से नाराज़गी इस वजह से इस बार इन 5ों गांवों ने करीब जो 4-5 हज़ार वोटर है उसने तय किया है कि वोट नहीं देंगे ये भी भाई साहब ने बताया कि 80% वोट बीजेपी को जाता था विधायक जी पिछली बार आए थे और वादा कर गए थे वादा पूरा नहीं हुआ है तो इसमें नाराज़गी है उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव क्योंकि चुनाव का मौका है इसमें इनकी बात सुनी जाए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं भाई गांव से कम सड़क तक जो बाहर जाने का रास्ता है वो तो बन ही जाना चाहिए नहीं पक्का बन सकता तो कम से कम कच्चा मजबूत रास्ता ही बन जाना चाहिए और अवैध वसूली जो होती है वो ना हो ये है इस गाँव के मुद्दे या ऐसे ही और तमाम गाँवों में जो कि कटे हुए देखिए यहाँ पर बिजली नहीं है ना सड़क नहीं है इस तरह के और गांवों में हम जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं क्या देखते हैं वोट देने से पहले और जब नेता आते हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं देखते रहिए दी लल्लन टॉप।